वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माईनलाइन क्लासेस आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोवा के क्लासीफिकेशन के विषय में प्रीवियस लेक्चर से बच्चों हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोवा के क्लासीफिकेशनस में हम लोगों ने ये देखा बच्चों की जितने भी प्रोटोजुमांस होते हैं उनमें लोकोमोशन जो होता है बच्चों वो डिफरेंट आर्गिनल्स के द्वारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोट्री ऑर्गेनल्स फाइलम प्रोटोजोवा इज डिवाइडेड इन टू फोर सफ फाइलम लोकोमोट्री आर्गनल्स के आधार पर बच्चों फाइलम प्रोटोजोवा को फर्दर चार सफ फाइलम में डिवाइड किया गया है कौन कौन है बच्चों वो सफाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा सब फाइलम स्पोरोजोवा सफ फाइलम नीडोस्पोरा और सफ फाइलम सीलियोफोरा जिसमें से बच्चों हम लोगों ने सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था आइए थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं उसको और जानते हैं कि सार्को मेस्टिगोफोरा में हम लोगों ने क्या देखा था तो सार्को मेस्टिगोफोरा हम लोगों ने देखा बच्चों जैसा नाम से स्पष्ट है सार्को प्लस मेस्टिगोफोरा अर्थात सार्कोडाइना एज वेल एज द मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा तो इसमें बच्चों सार्को मेस्टिगोफोरा को फर्दर तीन सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है वो तीन सुपर क्लास कौन कौन है बच्चों पहला है मैस्टिगोफोरा दूसरा है ओपेलिनाटा और तीसरा है सार्कोडाइना तो जो मैस्टिगोफोरा है बच्चों सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया है दो क्लास कौन कौन है बच्चों पहला है फाइटोफ्लेजिलेटा या फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरा है जो बच्चों उसको हम जी जू फ्लैजलेटा या जू मेस्टिगोफोरा कहते हैं ठीक बच्चों अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्लांट जैसी प्रवृत्ति प्लांट जैसी टेंडेंसी देखने को मिलती है और उसमें लोकोमोशन की प्रक्रिया फ्लेजिलम द्वारा हो उसको हम फाइटोफ्लेजिलेटा कहते हैं ऐसे प्रोटोजुंस जिनमें प्लांट जैसी टेंडेंसी पाई जाए प्लांट जैसा नेचर उनमें देखने को मिले साथ ही साथ उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनिक्स के रूप में, में फ्लैजला पाया जाता हो ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया है बच्चों उनको क्लास फाइटोफ्लेजिलेटा तो में प्लेस किया गया है तो कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं जो प्रोटोजुवान्स हम लोग पढ़ते हैं हम हमने प्रोटिस्टा को पढ़ाया था बच्चों तो उसमें हमने बताया था प्रोटिस्टा के जब हम करेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन है वो है यूगलिना वॉलवॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास तो युगीनाम बच्चों क्या होता है प्लांट जैसी क्या प्रवृत्ति यूगुलना को क्या कहा जाता है उसको प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि उसमें प्लांट के भी करेक्टर्स पाए जाते हैं और एनिमल्स के भी करेक्टर्स पाए जाते हैं प्लांट के कौन कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों को वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना सकता है क्यों क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्लोरोफिलवियरिंग क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है बच्चों क्लोरोफिल क्लोरोफिलवियरिंग क्रोमेटोफोर तो इसमें अर्थात फाइटोफ्लेजिलेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्लोरोफिल क्लोरोफिलवियरिंग क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाने की टेंडेंसी रखते हैं ठीक बच्चों तो इसमें कौन कौन आते हैं यूगुलना वॉलवॉक्स एज वेल एज द क्लेमाइडोमोनास ठीक बच्चों दूसरा जो क्लास है बच्चों वो है जो फ्लैजलेटा अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोट्री ऑर्गेनल्स के रूप में फ्लैजलम तो पाया जाए लेकिन वो एनिमल जैसा बिहेवियर है करते हैं अर्थात उनमें प्लांट जैसा बिहेवियर देखने को नहीं मिलता अर्थात वो क्या करेंगे बच्चों उनमें भोजन बनाने की टेंडेंसी नहीं पाई जाएगी क्यों क्योंकि उनमें क्लोरोफिलवियरिंग क्रोमेटोफोर का अभाव होता है उनमें क्लोरोफिल क्लोरोफिलवियरिंग क्रोमेटोफोर नहीं पाया जाएगा जिसकी वजह से वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होंगे आश्रित होंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगे तो इस प्रकार से वो क्या होंगे बच्चों उसमें हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा और ये ऑर्गेनिज्म पूर्ण रूप से पैरासाइटिक होते हैं क्या होते हैं बच्चों परजी होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म भोजन लेते हैं तो इसमें जो हम लोगों ने एग्जाम्पल स्वरूप देखा था बच्चों उसको मैंने क्या देखा था हम लोगों ने देखा कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो ट्रिपेनोसोमा है और लिस्मानिया है तो ट्रिपेनोसोमा और लिस्मोनिया से हमको क्या होता है बच्चों ये प्रकार के पैथोजेंस होते हैं इनसे हमको बीमारी कॉज होती है इनसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो इनसे जो बीमारियाँ होती हैं बच्चों उनको हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे अभी बहुत सारे वीडियोज़ अभी तो हम क्लासीफिकेशन पढ़ रहे हैं इसके बाद हम एक एक ऑर्गेनिज्म को अलग से पढ़ेंगे जिसमें उनके लाइफ साइकिल्स को पढ़ेंगे जिसमें हम उनके पैथोजेंस को पढ़ेंगे जिसमें हम उनके ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे उनके डायग्नोसिस को पढ़ेंगे एज वेल एज द प्रिकॉशंस को पढ़ेंगे तो ये सब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे यहाँ हम केवल इतना जानेंगे कि क्लास ज्यूमेस्ट्री को में किसको रखा गया है, में किसको रखा गया है तो जूफ्लटा में किसको रखा गया बच्चों लेस्मानिया को एज वेल एज ट्रिपाइनोसोमा को तो इन सबके विषम बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा बच्चों की जो सुपर क्लास सार्कोडाइना था जिसके अंतर्गत हम एमीबोइड को पढ़ते हैं जो एमिवर्डल ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज द अमीबा जिसमें लोकोमोशन किसके द्वारा होता है बच्चों सीडोपोडिया के द्वारा होता है तो सीडोपोडिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द सीडोपोडिया के आधार पर बच्चों उनको भी चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उनमें जो लोकोमोशन्स होता है बच्चों वो डिफरेंट प्रकार के सीडोपोडियल ऑर्गेन्स के द्वारा होता है टाइप्स डिफरेंट होते हैं सीडोपोडिया के और वो कौन कौन होते हैं बच्चों लोबोपोडिया पाया जाता है फिलोपोडिया पाया जाता

आ, दूसरा जो क्लासीफिकेशन के कड़ी में ही क्लासीफिकेशन के ही आ, लिंक में जो दूसरा सा फाइलम है बच्चों वो क्या है इस्पोरोजोवा आइए बात करते हैं इस्पोरवा के विषय में लोकोमोटरी एगनल्स आर एबसेंट तो जो इस्पोरोजोवा के मेंबर्स होते हैं जो इस्पोरोजोवा के आर्गेनिज्म होते हैं जो इस्पोरोजोवा के प्रोटोजवान्स होते हैं बच्चों इनमें लोकोमोटरी एगनल्स का अभाव होता है अर्थात इनमें लोकोमोशन नहीं होता है ये एक जगह फिक्स होते हैं क्यों क्योंकि इनमें किसी प्रकार का लोकोमोटरी एगनल्स पाया ही नहीं जाता है तो जब ये नहीं पाया जाएगा तो ये होंगे कैसे बच्चे जब इनमें लोकोमोशन नहीं होगा ये चल के अपना भोजन नहीं बना सकते हैं तो क्या करेंगे स्पोर्स यूजुअली प्रेजेंट इनमें क्या होता है बच्चों नाम से स्पष्ट है स्पोरोजोआ अर्थात एस जो वाम्स एनिमल्स अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इस्पोर्ट्स पाया जाता है क्या पाया जाता है बच्चों इस्पोर्ट्स तो इनमें स्पोर्ट्स पाया जाता है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स का अभाव होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है और सबसे बड़ी बात है बच्चों ये टोटली क्या होते हैं इंडो पैरासाइट होते हैं एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं बच्चों इंडो पैरासाइट होते हैं परजीवी होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर से लेते हैं ठीक बच्चों अर्थात ये क्या होते हैं किसी होस्ट के ऊपर आश्रित होते हैं किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर आश्रित होते हैं और उनसे ही अपना भोजन क्या करते हैं बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो ये क्या होते हैं इंडो पैरासाइट एक्सक्लूसिवली माने होता है बच्चे पूर्ण रूप से अर्थात ये पूर्ण रूप से इंडो पैरासाइट होते हैं एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट्स होते हैं इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको रिमार्क कर लेंगे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बट आर द एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट्स ये क्या होते हैं इंडो पैरासाइट्स होते हैं इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स का अभाव होता है साथ ही साथ इसमें स्पोर इस फॉर्मेशन होता है स्पोर देखने को मिलता है इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इट कंसिस्ट ऑफ थ्री क्लासेस इनको बच्चों किन कुल तीन क्लास में डिवाइड किया गया है कितने क्लास में डिवाइड किया गया तीन क्लास में पहला क्लास जो है बच्चों वो है टीलोस्पोरा Uh, क्या है बच्चों टीलोस्पोरिया तो पहला जो है टीलोस्पोरिया है इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं बच्चों वो कौन है मोनोसिस्टिस एस वेल एस द प्लाजोडियम अब मोनोसिस्टिस और प्लाजमोडियम ये भी क्या होते हैं बच्चों पैरासाइट्स होते हैं जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये मोनोसिस्टिस का फिगर है ये जो भी दे आप देख रहे हैं ये मोनोसिस्टिस का फिगर है मोनोसिस्टिस में जो पहला ये ये वाला आप जो दे, देख रहे हैं बच्चों ये फ्री यंग अर्थात ये यंग स्टेज है और जो ये वाला आप देख रहे हैं बी वाला भी बच्चों ये क्या होता है एक मेच्योर ट्रोफोजॉइट्स और ट्रोफोजॉइट्स इज अ टाइप ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज ट्रोफोजॉइड्स क्या होता है बच्चों ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है जो ये फिगर है बच्चों ये क्या होता है इनका जो ट्रोफोजॉइट्स स्टेज होता है इट इज अ टाइप ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज इट इज द टाइप ऑफ द दॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इट इज द टाइप ऑफ द पैथोजेंस यही पैथोजेंस होते हैं कौन बच्चों रिमार्क कर लीजिए मेच्योर ट्रोफोज ट्रोफोजायडल स्टेज जो होता है ये मेच्योर ट्रोफोजॉयट्स फिगर नंबर टू ये क्या होता है बच्चों पूर्ण रूप से पैथोजेनिक होता है तो ये मोनोसिस्टिस है तो मोनोसिस्टिस किस क्लास में रखा गया है बच्चों टीलोस्पोरिया में किस सब फाइलम में रखा गया है स्पोरोजोवा में दूसरा है बच्चों प्लाज्मोडियम तो प्लाज्मोडियम क्या होता है बच्चों ये एक प्रकार का मलेरियल पैरासाइट्स होता है क्या होता है बच्चों प्लाज्मोडियम इज़ अ टाइप ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स जिससे हम लोगों को मलेरिया की जो फीवर होती है मलेरिया का जो बुखार होता है बच्चों वो किसकी वजह से होता है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियोज में बच्चों, बच्चों बहुत अच्छे से बताएंगे कि मलेरिया की बीमारी मलेरिया से जो इनके और भी सब स्पीसीज होते हैं बच्चों प्लाज्मोडियम के तो प्लाज्मोडियम के तीन स्पेश सॉरी चार स्पेशजेज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम फैल्सीपेरियम प्लाज्मोडियम प्ला, प्लाज्मोडियम, मलेरी, तो इनके विषय में बच्चों हम नेक्स्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे तो इनमें जो क्लास टीलो स्पोरिया है बच्चों इसके अंतर्गत जिसको हम पढ़ते हैं वो क्या है मोनोसिस्टिस है, और दूसरा है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या होता है बच्चों मलेरियल पैरासाइट होता है जिसकी वजह से मलेरिया फीवर होता है ठीक बच्चों ये फिगर है बच्चों ये किसका फिगर है प्लाज्मोडियम का ठीक बच्चों जैसा कि अगर आप इन लॉर्ज करके देखें थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो आप देखिए ये इनमें ये न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है ये गोल्गे अपरेटस देखने को मिल रही है ये इंडो रेटिकुलम इसमें ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है ठीक बच्चों तो इस प्रकार से ये आप देखेंगे एपिकल कैप देखने को मिल रहा है इधर आप देखेंगे तो माइक्रोटिब्यूल्स देखने को मिल रहा है इट इज़ द फिगर ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट इज़ द प्लाज्मोडियम ठीक बच्चों तो ये प्लाज्मोडियम का फिगर है तो ये सब क्या है बच्चों ये प्रकार के पैथोजेंस होते हैं इनसे हमको बीमारी कॉज होता है और ये जिस सुपर क्लास में रखे जिस सब क्लास सब फाइलम में रखे गए उसको हम क्या कहते हैं बच्चों इस स्पोरोजोवा कहते हैं और जिस क्लास के अंतर्गत इनको हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों टीलो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है बच्चों क्लास टू क्लास दूसरा क्लास जो है बच्चों वो क्या है टोपोप्लाज्मिया क्या है बच्चों टोपोप्लाज्मिया और इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं बच्चों वो क्या है टोपोप्लाज्मा कौन है बच्चों टोपोप्लाज्मा जैसा कि आप ये फिगर देखना है ये टोपो का फिगर है तो ये, ये भी किस सफाइलम के अंतर्गत पढ़े जाते हैं बच्चों सफाइलम इस्पोरो जुवा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं तीसरा जो क्लास होता है बच्चों वो क्या है हेप्लो इस्सपोरिया और हेप्लोपो इस्पोरिया इट इज़ अ टाइप ऑफ द इंडोपैरासाइट्स ये भी एक प्रकार का इंडोपैरासाइट्स होता है जो बच्चों किस में पाया जाता है मछलियों पर इसीलिए इसका जो नाम है बच्चों ये क्या है एक्थियो uh, स्पोरिडियम क्या नाम है बच्चों एक्थियो स्पोरिडियम अर्थात हेप्लो क्लास के अंतर्गत जिस ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ते हैं वो है एक्थियो स्पोरिडियम और ये एक्थियो स्पोरिडियम जो होता है बच्चों एक प्रकार का पैरासाइट है किस पर फिस पर जहाँ बच्चों एक टर्म आ जाए इक्थियो तो इक्थियो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो फिस होता है पीसेज से रिलेटेड होती हैं मछलियों से रिलेटेड होती हैं तो येपोरिडियम है बच्चों एक प्रकार का इंडो पैरासाइट्स है किस पर किनमें इन द साइड इन द बॉडी ऑफ द फीसिस फीसेज के अंदर ये इंडो पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक बच्चों अगला आइए बच्चों हम तीसरे सफाइलम की ओर चलते हैं और तीसरा जो सफाइलम है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं नीडोस्पोरिया और नीडोस्पोरिया का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या होता है बच्चों स्पोर्स विद पोलर फिल्मेंटस प्रेजेंट अर्थात इसमें पोलर फिलामेंट्स के साथ स्पोर हमको देखने को मिलते हैं कैसे बच्चों पोलर फिलामेंट्स के साथ इसमें भी स्पोर्स इस देखने को मिलते हैं स्पोर फार्मेशन होता है जिस प्रकार से स्पोरो जो हम आप देखे थे स्पोर फार्मेशन होता है ठीक इसी प्रकार से इसमें भी स्पोर फार्मेशन होता है लेकिन कैसा पोलर फिलामेंट्स के साथ इट कंसिस्ट ऑफ टू क्लासेस इसमें भी दो क्लासेस होती हैं इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है पहला है बच्चों मिक, मिक्सो पोरिडिया पहला क्या है बच्चों मिक्सो पोरिडिया और मिक्सोपोर्डिया के अंतर्गत जिस ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं जिस ऑर्गेनिज्म को प्लेस्ड किया गया है वो क्या है बच्चों मिक्सीडियम क्या है बच्चों मिक्सीडियम जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं इट इज़ द फिगर ऑफ द मिक्सीडियम जिसमें आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ स्पोर देखने को मिल रहा है ये क्या है बच्चों इट इज अ टाइप ऑफ द स्पोर्स विथ पोलर फिलामेंट्स पोलर फिलामेंट्स के साथ इसमें स्पोर्स इस देखने को मिलते हैं ठीक बच्चों ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुपर सब फाइलम इस पोरजुआ में देखने को मिलते हैं ठीक बच्चों तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है कौन है बच्चों मिक्सीडियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला जो दूसरा क्लास है बच्चों बच्चो? नोसेमा. नोसेमा के अंतर्गत पढ़ा जाता है बच्चों माइक्रोस्पोरिडिया के अंतर्गत ठीक बच्चों आइए हम सब फाइलम चौथा जो लास्ट सब फाइलम बच्चों उसके विषय हम जानते हैं और लास्ट सब फाइलम को हम क्या कहते हैं बच्चों सीलियोफोरिया इट इज़ वेरी इसको बच्चों इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक बच्चों आप इसको इंपॉर्टेंट समझिए या रिमार्क कर लीजिए अपने कॉपी में कहीं रिमार्क करके लिखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ठीक बच्चों आज आइए बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में लोकोमोटरी ऑर्गनन्स और सिलिया बच्चों इनमें जो लोकोमोशंस की प्रक्रिया होती है जो प्रचलन होता है वो सिलिया के द्वारा होता है अर्थात हेयर लाइक आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसके बॉडी के चारों तरफ जिसको हम सिलिया करें जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों ये देखिए पैरामीशियम के चारों तरफ क्या है एकदम हेयर जैसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों सीलिया तो लोकोमोटरी आर सीलिया इनमें लोकोमोशन की प्रक्रिया जो होती है सीलिया के द्वारा होता है टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इनमें बच्चों न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है न्यूक्लियस दो प्रकार का होता है अर्थात दो का टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं और जो ऑर्गेनिज्म थे बच्चों उनमें क्या था उनमें न्यूक्लियर डायमारफिजम देखने को अर्थात सेम काइंड्स के न्यूक्लियस देखने को मिलते थे लेकिन यहाँ हमको जो देखने को मिल रहा है यहाँ टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है इस प्रकार से इसमें न्यूक्लियर डाइमार्फिजम देखने को मिलता है अर्थात एक बड़ा न्यूक्लियस होता है एक छोटा न्यूक्लियस होता है तो बड़े वाले न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं बच्चों माइक्रो न्यूक्लियस और छोटे वाले को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं यहाँ बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आप इसको सही कर लेंगे दोनों माइक्रो न्यूक्लियस ही लिख लिख दिया ये इसको हम मैक्रो दो प्रकार के अर्थात तो न्यूक्लियर डाइमार्फिज देखने को मिलता है एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस तो बड़े न्यूक्लियस को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और छोटे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं बच्चों माइक्रो न्यूक्लियस ठीक बच्चों इट कंटेन्स ओनली वन क्लास इसमें केवल एक ही क्लास रखा गया अर्थात इसमें इसको केवल एक ही क्लास में डिवाइड किया गया है और वो क्लास कौन सा है बच्चों क्लास सिलिएटा कौन सा क्लास है बच्चों क्लास सिलिएटा आइए हम क्लास सिलिएटा का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बच्चों उसके विषय हम जानते हैं इट द डिफिनिट ओरल दैट इज द साइटोस्टोम एज वेल एज द एनल अपर्चर दैट इज द साइटोपाइज इनमें जो होता है बच्चों दो प्रकार का ओपनिंग होता है अर्थात एक तरफ से फूड मटेरियल आता है और दूसरी तरफ से अपसिस्ट मटेरियल बाहर की ओर जाता है तो जो इनका प्रॉक्सिमल ओपनिंग होता है जो जो एक माउथ के रूप में काम करता है बच्चों ओरल अपर्चर के रूप में काम करता है माउथ ओपनिंग के रूप में काम करता है उसको हम साइटो स्टोम हैं क्या कहते हैं बच्चे इट इज अ टाइप ऑफ द इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जो एक प्रकार का ओरल ओपनिंग होता है या माउथ की ओपनिंग होती है बच्चे उसको हम ओरल अपर्चर कहते हैं या फिर उसको साइटोस्टोम कहते हैं और जो अपसिस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं बच्चे उसको हम एनल अपर्चर कहते हैं या फिर उसको हम साइटोपाइज कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों साइटोपाइज तो जो जिसके माध्यम से भोजन को लेते हैं उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं या माउथ कैविटी कहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों साइटोस्टोम और जिसके माध्यम से अपशिष्ट मटेरियल को वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं बच्चे उसको हम एनल अपर्चर कहते हैं या फिर साइटो कहते हैं ठीक है बच्चों इट इज़ वेरी ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ये एकदम यूनिक फीचर है बच्चों के इसका आ, सब फाइलम सीलियोफोरा का अर्थात इसमें लोकोमोटरी एरंगल्स के रूप में सीलिया पाया जाता है जो एक प्रकार का हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है बाल जैसा जैसे जैसे हम लोगों में हेयर होता है बच्चों में हेयर होता है और उसके द्वारा वो प्रचलन करते हैं साथ ही साथ बच्चों ये फीडिंग के लिए भी क्या करते हैं होते हैं होते और ये रिसेप्टर्स के रूप में भी काम करते हैं ठीक बच्चों इनमें दो प्रकार का न्यूक्लियस देखने को मिलता है टू काइंड्स ऑफ द इस प्रकार से इनमें न्यूक्लियर डायमोर्फिजम देखने को मिलता है बच्चों और ये न्यूक्लियस दो प्रकार का होता है एक बड़ा न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस बड़े वाले न्यूक्लियस को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और छोटे वाले न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं जैसा कि बच्चों आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं बच्चों देखिए जैसे ये पैरामिसियम है और पैरामीशियम आप देखिए कि ये जो लोकोमोटरी आर्गलन्स है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों इसको हम सीलिया कहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो बॉडी होता है बच्चों एक क्या होता है प्रोटीन रिच कवरिंग्स से प्रोटीन रिच बाउंड्री से ढका होता है जिस, जो ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है जिसको हम पेलकिल कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों पेलकिल और इसी पेलकिल बच्चों ये प्रोटोजिवान्स का एक यूनिक फीचर्स है कि इनका जो बॉडी का होता है वो एक फॉयरम इलास्टिक बाउंड्री से ढका होता है वो प्रोटीन रिच बाउंड्री होता है ग्लाइको का बना होता है जिसको हम पेलकिल कहते हैं ठीक बच्चों तो पेलकिल जो होता है इनके बॉडी के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है अगला आप देखिए बच्चों इस फिगर के माध्यम से अगर हम ये देखें तो ये देखें इनमें कंटेक्टाइल वैक्यूल्स को देखने को मिलता है इस कंटेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ये ऑसमो रेगुलेशंस की प्रक्रिया करते हैं जिसकी वजह से इनके शरीर के अंदर जो वाटर और साल्ट होता है बच्चों वो क्या होता है बैलेंस बना रहता है तो वाटर वेस्ट बैलेंस को कर, कर बैलेंसिंग करने का जो काम करता है वाटर वेस्ट बैलेंस को मेंटेन करने का जो काम करता है बच्चों वो कौन करता है कंटेक्टाइल वैक्यूल और किस प्रोसेस के द्वारा बच्चों ऑसमो रेगुलेशन के द्वारा जिस प्रकार से बॉडी ब्रेड काम करता है जिस प्रकार से वटी ब्रेड किडनी अपना वाटर बेस बैलेंस को करने का काम करता है ठीक उसी प्रकार से जो इन बॉडी ब्रेड्स होते हैं बच्चे इनमें यही काम कंटेक्टाइल वैक्यूल्स करता है ठीक बच्चों अगला जो आप देख रहे हैं बच्चों इनमें रेडिएटिंग कैनाल देखने को मिलता है ठीक बच्चों अर्थात अगर पैरामीशियम में देखें बच्चों तो एंटीरियर एक इंटीरियर कंटेक्टाइल वैक्यूल होता है और दूसरा पोस्टीरियर कंटेक्टाइल वेक्यूल्स होता है इनमें आप चारों तरफ जो देख रहे हैं ये रेडिएटिंग क्या है बच्चों कैनाल्स हैं ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है ये रेडिएटिंग कैनाल्स हैं इसके माध्यम से, से भोजे पदार्थ को अंदर लेते हैं और फिर ये बर्स्ट हो जाता है तो बाहर छोड़ते हैं और जैसा कि हम बात कर रहे थे बच्चों के इनमें न्यूक्लियर डाइमारफिजम देखने को मिलता है तो आप देखिए एक है माइक्रो न्यूक्लियस ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और ये जो बड़ा वाला है बच्चों इसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं ठीक बच्चों तो इनमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है अर्थात दो प्रकार के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं माइक्रो न्यू माइक्रो न्यूक्लियस और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है लार्ज न्यूक्लियस होता है उसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं इनमें देखिए बच्चों ये अंदर जो इनके ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में जा पाए जाते हैं ये देखिए जो फूड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है इनमें जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है बच्चों फूड वैक्यूल्स के द्वारा होता है इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर आप देखेंगे बच्चों ये क्या है इनका ओरल ग्रूप है जिसके माध्यम से भोजन अंदर की ओर लेते हैं इसको हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं इधर आप देखेंगे थोड़ा सा ये वक्कल वर्टिकुलम देखने को मिल रहा है क्या है बच्चों वक्कल वर्टिकुलम इधर है जिसको हम कहें बच्चों इसमें दो प्रकार की ओपनिंग पाई जाती है जिसके माध्यम से भोजन अंदर की ओर लेते हैं उसको हम सेल माउथ कहते हैं या फिर असाइटो कहते हैं और जिसके माध्यम से अपशिष्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं बच्चे इसको हम एनल पोर कहते हैं या एनल अपर्चर कहते हैं या फिर साइटोपाइस कहते हैं या साइटो कहते हैं इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों ये देखा कि फाइलम प्रोटोजुवा को कुल चार सौ फाइलम में किस प्रकार से डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ़ द लोकोमोटी मोटी आर्गनल्स के आधार पर तो अभी तक के वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोवा के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से देख लिया है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बहुत बढ़िया से पढ़ा बच्चों साथ ही साथ हम लोगों ने किंगडम प्रोटेस्टा के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से पढ़ा बच्चों जिसके अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है किंगडम प्रोटेस्टा में फाइलम प्रोटोजोवा को प्लेस किया गया है साथ ही साथ बच्चों इनके क्लासिफिकेशन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ है है उम्मीद है बच्चों आई होप कि आपको यह वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर बच्चों ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में भी बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें जिससे जिस उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके हमारे जितने भी नए अपडेटेड वीडियोज़ बन रहे हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचें इसलिए इसके लिए आप क्या करेंगे कि वेल आइकान को प्रेस कर लेंगे तो जितने हमारे अपडेटेड वीडियोज़ बन रहे हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे बच्चों ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पढ़ाई करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसलिए कि हम एक करियर काउंसलर के रूप में भी आपका मदद करते हैं आपका सहयोग करते हैं कोई भी मेडिकल पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी फॉर्म वैकेंसीज अगर आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे इसके लिए आप बच्चों हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो हम जितने भी अपडेटेड वीडियोज होंगे उसके माध्यम से हम आपको सब सूचनाएं देते रहेंगे बच्चों तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद